ओमेगा निकाल लिया था क्या? बाउल वाले में ओमेगा की रेंज निकाल ली थी अपन ने, ओमेगा अपने वाले सवाल कर लिया अपन ने। हाँ हाँ समझ गया मैं बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल, कार ऑन अ कर्व्ड पाथ, कार ऑन अ सर्कुलर पाथ या फिर कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। सिंपल है, कोई खास बात नहीं, कार ऑन अ सर्कुलर पाथ। देखिए ध्यान से, सर्कुलर पाथ देखिए भाई, ये कुपा ये देख, मान लो कि अपनी कार मास एम की है, रफ्तार भी है, बी की स्पीड कांस्टेंट है, कोई उड़ने वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान देखो, मान लिया आपकी कार ऐसे सर्कुलर पे घूम रही है, किसी भी ट्रैक पर आप ये घूम रही है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर अपन सिंपल सी बात में आपसे पूछूं, भैया अगर कार ऐसे चल रही है एम और बी रफ्तार, बी कांस्टेंट है, मैं आपसे पूछूं इस कार को का, अगर बी कांस्टेंट तो रेडियल एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल है, ये दोनों है, रेडियल है कि टेंजेंशियल है कि दोनों है? सिर्फ रेडियल है, क्योंकि बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट तो टेंजेंशियल ही हो रहा है। अरे हाँ ना बोले यार, तो सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन, कोई बुरी वाली बात नहीं है। रेडियल एक्सेलरेशन इसको कौन देगा? कौन देगा? वास्तविकता में आपकी कार के टायर होते हैं याद है, ऐसे होते हैं। ज्यादा इसके बारे में बातें करेंगे प्योर रोलिंग के केस में, कब करेंगे? जब अपन प्योर रोलिंग पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में अपन बातें करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भाई साहब अपन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अपन चल रहे हैं, अब जब अपने टायर से चल रहे होते हैं, मतलब सीधे जा रहे हैं, अपन जब मोड़ते हैं तो क्या करते हैं? स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, तो स्टीयरिंग के मोड़ने पर कौन मुड़ती है? टायर, टायर ऐसे तो एसलिप नहीं करते, ऐसे जाते जाते अपन टायर अगर ऐसे कर दें तो अपन ऐसे ऐसे स्लिप करना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? अंदर, उसकी वजह से सेंट्रिपेटल फोर्स आता है। बोल यस और नो? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया कि नहीं आया? दैट इज व्हाट हैपेंस टू अस में, अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगता है। कि यही वो फ्रिक्शन है जो आपके सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है? नहीं आया भाई साहब, यही वो फ्रिक्शन है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो एफ के लिए कितनी हुई? एम वी स्क्वायर बाई आर, पैसे पैसे क्या इतना फ्रिक्शन चाहिए? जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से, क्या मैक्सिमम पॉसिबल इज न्यू एमजी? आवाज नहीं है यार, एम ने एम को, तो बी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब अगर रफ्तार इससे कम होगी, रफ्तार इससे कम होगी तो सेफ हो, वरना सेफ मतलब डिसेंट म्यू होना चाहिए। और आर कैसा होना चाहिए? अगर मुझे सेफ टर्निंग करनी तो आर कैसा होना चाहिए? बड़ा कि छोटा? बड़ा कि छोटा? इसलिए हाईवे पर टर्न बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए जो अपनी अच्छा एफटीपी में हो ना। हाँ तो क्या क्या कह रहा था मैं, हाँ रेडियस ज्यादा होना, इसीलिए जो आपके हाईवे होते हैं ऐसे थोड़ी ऐसे जा रहे हाईवे, तो आर बड़ा होना चाहिए। बार बार उसी बात फिर कोई आया घूसा मार देंगे, तो आर बड़ा होना, इसलिए आपके जो हाईवे होते हैं उनका टर्न बहुत ऐसे थोड़ी ऐसे जा रहा। खुबाज खुबाज पहले कहते हैं हमारे गांव में तो है, तुम्हारे गांव की गलियां हैं, हाईवे की बात नहीं है। जो बोला चुमका उनका आर बड़ा रखते हैं, उनका आर। तो अगर आपको आपका कोई भी कर्वेचर है उसमें अगर आपको सेफ टर्निंग करनी है तो वी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी होती है बारिश के दिनों में, क्योंकि स्लिपिंग बढ़ जाती है, तो क्या कम हो जाता है? आर। बहुत बढ़िया, बारिश के दिनों में क्योंकि बारिश होती है इसलिए टर्न छोटा हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं बारिश में थोड़ी सी सेफ टर्निंग अगर आपको करनी हो तो रफ्तार थोड़ी कम होनी चाहिए। यूजुअली आप जिस रास्ते से आते हो आपका आइडिया होता है भाई 30 फीट से तो अपन निकल लेते हैं रोज, पर पता लगा उस दिन तू साइकिल से स्लिप कर गया, पानी में गिरा हुआ है। अरे हाँ ना बोले यार, तो वो बेसिकली सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करते, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? उतार लो फटाक से फिर आगे बढ़ते हैं। Oh,
अरे ये हो गया क्या? Yes, अरे सोच लो, कोई बुराई वाली बात नहीं। देखिए भाई साहब, अगर मान लो ये अपनी कार जो थी, जनरल केस ये आता है, मान लीजिए अपनी रफ्तार कांस्टेंट है, मान लीजिए अपनी रफ्तार रफ्तार कांस्टेंट है तो अपन ने कर लिया। मान लीजिए आपकी कार का एक्सीलरेशन है, मान लीजिए आपका कार का जो हो सकता है ये ऐसी बात है, आपको भी सुनी सुनाई सी लगेगी, देखना आप ध्यान से समझ लो पहले मेरे साथ। मान लीजिए मास एम है, मैं आपसे बोलूं कि ये जो है कार ऐसे आर रेडियस के सर्कल में घूम रही है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या इसका जमा उसल मेरा अजमा क्या इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर है? अरे कितना है? अल्फा। और क्या रेडियल एक्सेलरेशन इसका ओमेगा स्क्वायर आर है? क्या है? अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी है? ओमेगा की वैल्यू क्या है? टी को जीरो पर ओमेगा। मान लीजिए, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे आपकी कार स्टार्ट होती है अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से, कोई शक वाली बात नहीं है। अरे कभी तो आना बोलो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो भाई साहब टी अल्फा आर ए आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया साहब, लॉजिकली सोचो ये एटी एटी एक्सप्रेशन कौन ला रहा है? मुझे बताओ कैसे दोनों एक्सप्रेशन है? अरे कार एक्सीलरेट कर रही है तो दोनों एक्सीलरेशन है, बोलिए साउंड ऑफ। एटी भी और एटी कौन ला रहा है? कौन सा फोर्स है जो एटी ला रहा है? कौन सा फोर्स जब कार चलती है, प्लेन सीधी चल रही है, बताओ पहले। जब कार सीधी चल रही है तो कौन कार को एक्सीलरेट करता है? जब कार चलती है किसी भी सिंपल रोड पे सीधी, तो उसे कौन एक्सीलरेट करता है? अरे बोलो, कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? करेक्ट, फ्रिक्शन करता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो आपको प्योर रोलिंग में पता पड़ेगा, थोड़ा सा बता देता हूं। अगर टायर जब होता है, अच्छा अपनी कार किसी वजह से एक्सीलरेट करती है, इंजन की फ्रिक्शन दोनों, ऐसे थोड़ी कार में बैठे चल। इंजन बेसिकली टायर को घुमाता है, किसे घुमाता है? जोर जोर से जब वो ऐसे घुमाता है तो इस वाले पॉइंट को पीछे धकेलता है, तो जो धरती माता है ये बात उसको पसंद, तो उसको आगे धकेलती। अरे यार वो इसको इसमें चर्चा अपन प्योर रोलिंग में करेंगे, प्योर रोलिंग कहाँ आएगी? हाँ खैर, तो बेसिकली अपनी कार को एक्सीलरेट कौन करता है? फ्रिक्शन। तो ए टेंजेंशियल भी कौन देगा? तो ए रेडियल कौन देगा? कौन देगा? क्या फ्रिक्शन दोनों दे सकता है? क्या बात, हम पहले भी कर चुके हैं। तो एक्सीलरेटेड कार में ए टेंजेंशियल भी फ्रिक्शन देगा और ए रेडियल भी। अरे हाँ ना बोल यार, अगर आप बहुत ध्यान देते हो एफ की वैल्यू एम ए आर है, एम ए टी है कि एम ए नेट है, याद है कि भूल गया? ए नेट की लिखी जाएगी अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर फोर आर स्क्वायर। नहीं आया? इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से। क्या दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी एम ने एम को, क्या यहाँ से ओमेगा निकल आएगा? यहाँ से क्या निकल आएगा? ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे आएगा का रूट की पावर 1/4। तुम्हें मेरी बात समझ? कैसी बात, हम पहले भी कर चुके हैं, याद है कि भूल गया है? आया कि नहीं आया? ये दो सेगमेंट है, इसका एक और सेगमेंट आएगा जब हम पढ़ेंगे टॉपलिंग। क्या पढ़ेंगे? टॉपलिंग। कहां पढ़ेंगे? रोटेशन। तब ये कार के चांसेस स्लिप करने के भी हो सकते हैं और टॉपल करने के भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे नहीं तो कार चलते चलते स्लिप करने की वजह पलट लेती। यार हाँ ना बोल यार, उसे कहते हैं टॉपलिंग। क्या कहते हैं? टॉपलिंग। वो वहां पढ़ेंगे, अभी इतना ही उतारिए। पेपर करेक्शन हो ही गए थे। देखो ध्यान से, कार पे थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, देखो ध्यान से, फिर साइकिल पे कर लेंगे। अगर आप कार वाले को बहुत ध्यान देखो तो कार वाले में असलियत में क्या होता है, हमने क्या देखा दिया? अभी जो यहाँ पे रफ्तार आई थी, नॉर्मल जो आपकी रफ्तार है वो है वी रूट वी इज लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। कितनी? ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो एक अच्छा सवाल है, ये तो एक अच्छा एडवांस लेवल का। इस पे वापस आते हैं,
हमारी जो रफ्तार लेस देन इक्वल टू आई थी वो आई थी रूट म्यू आर जी, कितनी आई थी? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कारों पर बहुत रफ्तार से निकलूं, हाईवे पे क्या मैं चाहता हूँ? हाईवे पे भाई कारों को चलना चाहिए 100, 120, 130 और वो सेफ भी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भाई साहब हाईवे पे आपने स्पीड ब्रेकर बना दिया, हालांकि इंडिया में बना देते हैं लोग, बहुत कम है बट फिर भी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। घर में छोटा बच्चा हुआ है तो भाई साहब हाईवे पे स्पीड ब्रेकर, खैर ये ऐसा इंडिया में ही होता है। तुम हाईवे पे गए नहीं ना कभी? ऐसा एक्सप्रेशन मत दिया करो सर, गए तो है पर सर दूर से ही देखा है, सुबह सुबह जाते हैं। रेलवे ट्रैक भी ऐसी देखी ना तुमने, है ना? ये मैं समझ रहा हूँ डकनिया के पास रहते हैं जो ये। क्या कह रहा था? हाँ, तो वी इज लेस देन इक्वल टू रूट। अब हम चाहते हैं हाईवेज पर कि वास्तविकता में हाईवेज पर अपन और रफ्तार से निकले और मोड़ भी मोड़े तो भी अच्छी रफ्तार से निकले। मान रहे कि भाई वी इज लेस देन रूट म्यू आर जी, समझ में आ रहा है। अब आर जो है वो कितना बड़ा कर लो यार, ऐसे थोड़ी कि भाई साहब पता लगा 90 डिग्री टर्न लेने के लिए 4 किलोमीटर का टर्न लिया है, इसका कोई लॉजिक नहीं। उसमें भाई साहब अपनी लैंड एक्विजिशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो हम बेसिकली कुछ और निकालते हैं जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं? हेडिंग डाले बैंकिंग ऑफ रूट्स। इट्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल एंड वी आर अप्लाइंग इट। सो बैंकिंग ऑफ रूट्स सुना भी होगा, सुन ले उसे, समझ ले अच्छे से। एक्चुअली होता क्या है, हमें ये बात समझ में आती है कि हमें अगर कार को रफ्तार में मोड़ना है तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। हमें समझ आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने वाला हम जैसे चल रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन कर सकता है, और फ्रिक्शन पे हमारा कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। थोड़ी फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हमने रोड खदड़ कर दी तो वैसे ही स्पीड से नहीं चल पाओगे। अरे यार, अरे है कि नहीं? तो रोड भी ठीक ठाक स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि म्यू की एक लिमिट है, इससे ज्यादा करने का कोई लॉजिक नहीं। वरना वो एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगी आपकी कार। पर आर भी आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा, तो हमने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें फ्रिक्शन के अलावा भी कोई फोर्स आ जाए जो उसको क्या प्रोवाइड करे, फ्रिक्शन नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या प्रोवाइड करे। भाई रफ्तार बढ़ने की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन के अलावा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे जो फोर्सेस हैं और वो शायद सेंट्रीफ्यूगल प्रोवाइड करने लगे। अब हमने ध्यान से देखा हमारी कार पे से 3 फोर्स हैं, फ्रिक्शन, मान लीजिए मैं कार में से जा रहा हूं करंट सरफेस, इधर क्या है, नीचे क्या है, एमजी, ऊपर क्या है, नॉर्मल। एमजी चेंज नहीं हो सकता, अरे धरती माता का फोर्स तो फिक्स है, फ्रिक्शन भी इधर है, फ्रिक्शन तो हम चाहते ही इधर रहे, इसे क्यों चेंज करेंगे? अरे हाँ ना बोलिया, तो वो तो पहले ही, तो या तो ये इधर आई या फिर एमजी इधर, एमजी इधर आ, हमने सोचा कुछ भी करके नॉर्मल इधर आ जाए, नॉर्मल ऐसे कैसे आ सकता है? क्या हम सड़क को थोड़ी टेढ़ी करते हैं? हम सड़क को थोड़ी, तो क्या नॉर्मल का एक कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा और दूसरा क्या इधर आ जाए? दूसरा अगर इधर आ जाएगा, दूसरा अगर इधर आ जाएगा, तो क्या वास्तविकता में वो अपने को हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा प्रोवाइड करने लगे? और अगर वो सेंट्रीफ्यूगल इधर प्रोवाइड करने लगेगा तो अपने को फायदा होगा कि नुकसान? फायदा नहीं आया। सो दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ। मान लीजिए आपने अपनी जो सड़क है उसको थीटा एंगल से एलिवेट कर लिया है, मान लीजिए आपकी कार ऐसे है, समझना उस कार को, है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बताया कार किधर जा रही है, ऊपर नीचे? नीचे ऊपर, आगे ही अंदर, हाँ आगे अंदर जो भी मान रहा हूं। कई लोग ऊपर जा रहे थे, तुम्हारे गांव में ऐसे टायर दिखते हैं नंबर प्लेट साले तुम्हारे साइड में लगी होगी, कहां जा रही है कार? अंदर, मान लो वी रफ्तार से, कितने से यार आवाज है, कितने से, मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, अगर आप ध्यान दें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर एमवी स्क्वायर बाई आर, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, नीचे क्या लगेगा, एमजी, और इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, अरे नहीं आया। मान लो जो कार चल रही है वहां पे फ्रिक्शन जीरो है, अभी हम पहला ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में, ये वास्तविकता नहीं है, पर सिर्फ ये समझाने के लिए कि देखो नॉर्मल भी इसको कर्व करा सकता है, इसलिए ऐसा मान लो कि फ्रिक्शन
फ्रिक्शन है ही नहीं, बिना फ्रिक्शन के भी क्या कर्व पे घूम सकते हैं? हाँ, नॉर्मल की मदद से। अरे भैया हाँ ना बोले यार, अगर तुम मेरी बात ध्यान देते तो समझ में आएगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल, अगर अपनी कार ऐसे चल रही है अभी रफ्तार से, ये एंगल थीटा, तो ध्यान से देखो तो ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? तो क्या ये भी थीटा? यार आवाज नहीं आई यार। एन कॉस थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा, और एम बी स्क्वायर बाय आर का कौन बैलेंस कर रहा है? इसे तो है ही नहीं, हाँ ना बोले यार। तो हमने लिखा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और हमने लिखा एन साइन थीटा इक्वल टू, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो भाई साहब दोनों को डिवाइड कर लिया तो टेन थीटा बराबर क्या आया? टेन थीटा बराबर आया वी स्क्वायर बाई आर जी। क्या वी की वैल्यू आई अंडर रूट आर जी टेन थीटा? अरे बेकार रेस्पॉन्स, अंडर रूट मतलब अगर इतनी रफ्तार से मैं गुजरूं तो क्या इस एंगल का बेंड जो रोड है वो बिना फ्रिक्शन के यानी कि नॉर्मल उसको सपोर्ट करके घुमा देगा? अरे नहीं आया। मैं मान रहा हूं कि वास्तविकता ही नहीं होती जिसमें फ्रिक्शन होता है, पर सोच अगर इतनी रफ्तार से, अगर इतनी कार यहां से निकले तो उसे फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्या बिना फ्रिक्शन के भी काम चल गया? Yes, तो बैंकिंग ऑफ रोड ऐसे, और ऐसे बोला जाता है दिस रोड इज बेंड फॉर 10 किलोमीटर पर आवर। अगर कभी ऐसे लिखाओ दिस रोड इज बेंड फॉर, इसका मतलब अंडर रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है। नॉर्मल टर्म्स में ऐसे बोला जाता है दिस रोड इज बेंड फॉर 20 किलोमीटर पर आ रही है, 40 किलोमीटर पर आ रही है, 50 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसमें क्या ये 50 किलोमीटर पर आ क्या चीज है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। अरे यार कई लोग कह रहे हैं बैंकिंग बैंकिंग की बात कर रहे हैं, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। अरे यार नहीं आया तुम्हें? पक्की बात? Yes, कभी भी ऐसे लिखा हो ना रोड इज बेंड फॉर 50 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर, इट मींस अंडर रूट आर जी टेन थीटा की वैल्यू क्या है? Yes, नहीं आया? आया। आया नहीं आया? आया। क्या पिक्चर क्लियर हुई है? क्या बैंकिंग करने से फायदा हुआ नुकसान? क्या नॉर्मल रिएक्शन देने लग गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? Yes, तो अपने को समय के साथ समझ में आएगा कि अपने को सपोर्ट करेगा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? उतार लीजिए, उतार लीजिए। पहला केस इज फ्रिक्शन जीरो है, हो गया क्या? चलिए आइए, अब सोच के देख, मान लो कि रफ्तार, मान लीजिए अब केसेस लेते हैं, पर ये वैसा ही पता है कैसा सवाल है, मैं तेरे को बताता हूँ वास्तविक। याद है मैंने तेरे को बाउल वाले सवाल कराए? कराए थे नहीं कराए? ये वैसी चर्चा होगी दोबारा, बच्चे लोग यार वही तो कर रहे हैं अपन, कैसे समझाता हूँ तेरे को अभी ध्यान दे। एग्जैक्टली वही है, मैं आप तेरे से बोलूँ कि मान लीजिए म्यू है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे खुद बताओ अगर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो, अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा हो तो ये कार किधर जाना चाहिए? अरे बोलो, अगर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा ज्यादा हो तो ये कार किधर जाना पसंद करेगी? क्योंकि ऊपर जाएगी तो उसका आर बढ़ता हुआ लगेगा तो उसे फायदा होगा, बोलिए सॉर्ट। पर अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। क्या उससे वी मैक्स निकल आएगा? अरे नहीं आया। क्या निकल आएगा? क्या याद है हमने सब बाउल में भी करा था? अरे एग्जैक्टली वही है ये। चलो मिलके करते हैं सब लोग। अगर वी की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा है तो आपको खुद को समझ में आएगा लॉजिकली कि आपकी कार पर इधर लगेगा एम जी, इधर लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या मैं तेज बोल रहा हूं या समझ आ रहा है? मैं सबका रिस्पॉन्स यार हाँ ना बोले यार। बहुत बढ़िया साहब, तो ऐसे अपना लगा, फ्रिक्शन कहाँ लगा? नीचे। फिर से वही कहानी ध्यान से देखिए, ये अपना एंगल थीटा, ये भी अपना एंगल थीटा, आप रिजॉल्व करिए इधर की तरफ देखिए, क्या एन की वैल्यू आई एम जी कॉस थीटा? क्या आई? नहीं, एम जी साइन थीटा। अरे कभी तो हाँ ना बोल। नहीं कुछ एंगल मैंने गलत ले लिया, ये थीटा है तो ये थीटा है ना, तो ये थीटा है। अरे हाँ ना बोल यार, अगर मैं गलती कर दूँ ना तुम ध्यान भी नहीं देते। सही करा है ना? ना तो वो तो पता है मुझे, अब एम जी को सीटा ही आएगा, इतने सालों से आ रहा है इसलिए तो मुझे चमक गया, मैंने कहा चला यहाँ तो एम जी को सीटा आता था, साइन थीटा कैसे आ गया? एम जी कॉस थीटा और एम वी स्क्वायर बाय आर के अंदर कंपोनेंट एम वी स्क्वायर आर एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे नहीं आया, इतना नॉर्मल है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है सब लोग बोलिए? एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस
माइनस एम जी साइन थीटा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम, अरे तो बहुत बार कर चुके हैं साया, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से लेस देन इक्वल टू म्यू एन, लेस देन इक्वल टू, अरे नहीं आया, लेस देन इक्वल टू म्यू इन टू एन, एन कितना, अरे एन कितना, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एम ने एम को सब तरफ से बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को इधर लिया, यानी कि बी स्क्वायर बाई आर अगर आप कॉमन ले लीजिए तो बी स्क्वायर बाई आर को अगर इधर ले लीजिए तो इधर बच गया कॉस थीटा, उधर से आया प्लस तो इधर बच गया माइनस म्यू साइन थीटा, कभी तो हाँ ना बोलो यार। लेस देन इक्वल टू ध्यान से देखिए, गड़बड़ नहीं करे मास्टर, इधर बच गया कितना जी कॉमन ले लो तो इधर बच गया म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा और इधर से आके प्लस साइन थीटा, बोलिया हाँ ना बोलिया, तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, तो बी की वैल्यू आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस म्यू साइन थीटा जी आर, बोलो क्लियर है क्या? Yes, रूट के साथ क्या ये वैल्यू वी मैक्स आई? Yes, अरे क्या ही, अगर इससे ज्यादा रफ्तार कर दोगे तो क्या स्लिप करके ऊपर स्लिप कर जाओगे? Yes, अरे तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, आया। अच्छा वी मिनिमम कैसे निकालेंगे? अरे वी मिनिमम कैसे निकालेंगे? हालांकि मैं इसमें वी मिनिमम ऐसे लिख रहा था क्योंकि प्रैक्टिकली वी मिनिमम जीरो होता है, क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है, ऐसे थोड़ी बैंकिंग बनाई जाती है कि साला 60 डिग्री की बना दी और उसके पहले बोर्ड लगाओ, अगर 30 किलोमीटर प्रति कम आर से नीचे निकले तो खाई में गिर जाओ। अरे कार पे जाके कार खड़ी भी तो हो सकती है, क्योंकि एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है भूल गए? अरे आधे भूल गए। इसे वी मिनिमम प्रैक्टिकली क्या होती है? जीरो। क्या होती है? क्योंकि ये बैंकिंग किससे कम होती है? एंगल। अरे हाईवे टिल्टेड होते हैं थोड़े से, बट ऐसे थोड़ी होता है कि बिल्कुल गिरा ही दे आदमी को यार, भाई से पता लगा कार खराब हो गई बीच में। लॉजिकल है ना, इसलिए इस वाले सवालों में वी मिनिमम में सिग्निफिकेंटली निकलवाता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली वी मिनिमम क्या होता है? जीरो। हमें किससे मतलब होता है? वी मैक्स। यार तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया, फील आई कि नहीं आई? तो उतार लीजिए, तो उतार लीजिए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। तो हमें समझ में आ गया कि अगर बैंकिंग करी जाए तो अगर बैंकिंग का मतलब बेसिकली रफ्तार आती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये वो रफ्तार है जब फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में हम एंगल ऑफ रिपोज इसको कम रखते हैं ताकि वी मिनिमम जीरो आए और वी मैक्सिमम निकालने के लिए अपन क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, बोलो क्या एकदम क्लियर है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बैंकिंग हमें समझ में आ गई, कटोरी जैसी प्रॉब्लम थी, बेसिक वैसी अपनी बात थी। अपन और कार पे बात कर लेते हैं, कार पे अगर अपन और बात करें, कार पे ठीक है बहुत, और क्या ज्यादा फैपे करोगे, छोड़ो कार सर्कल ट्रैक पे, क्या मैं कर लूंगा? yes, यार कभी तो हाँ ना बोलो। yes, कार सर्कल ट्रैक पे मैं कर लूंगा, कार अगर सर्कल ट्रैक पे एक्सीलरेट कर रही हो तो क्या मैं कर लूंगा? yes, कार अगर बैंड रोड पे हो तो भी क्या मैं कर लूंगा? yes, उसका फ्रिक्शन हो तो भी मैं कर लूंगा। इसका एक हिस्सा आएगा टॉपलिंग में, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ वहां पे, तो टॉपल की कंडीशन पहले आएगी कि स्लिपिंग की पहले आएगी, वो सब वहां पे सिखाया जाएगा जब आपको प्योर रोलिंग के बारे में चर्चा करी जाएगी। खैर आइए और बात करते हैं, अब साइक्लिस्ट पे चर्चा करते हैं, इस पे करते हैं साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट पे अगर अपन चर्चा करें तो देखिए ध्यान से, साइक्लिस्ट लिखो, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, साइक्लिस्ट कोई भी आप मान सकते हो। पहले मेरे को आप सिंपल सिंपल सी बातें बताइए, मान लीजिए कि एक मास एम साइक्लिस्ट लिया हुआ, भी परेशान मत होना, ऐसे बीच से चल रहा है ठीक, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन कितनी है? सब लोग बोलो MG. ये तीन केस हैं, तीनों में पार्टिकल बी से चल रहा है, किसमें नॉर्मल सबसे ज्यादा है? 1, 2, 3 या बराबर है? 1, 2, 3 किसमें नॉर्मल सबसे ज्यादा है या बराबर है या सबसे कम है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई खास बात नहीं, बोलिए। अरे कभी तो हाँ ना बोला,
अरे सब लोग बोलो, अरे बोलिए, अरे बोलो, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अच्छा मैं नाटक कर रहा हूं, बराबर है, बराबर है। कितने लोग बोलते हैं बराबर है? कितने लोग बोलते हैं बराबर है? बराबर नहीं है, गधे हो क्या? ये नॉर्मल ही है जी। ये अगर देखो तो इधर सर्कल ट्रैक को पार कर रहा है, तो ऊपर क्या है? एन, ऊपर क्या है? एम डी स्क्वायर भैया। नीचे क्या है? एम जी। क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? इधर एम जी, एम डी स्क्वायर भाई। हाँ ऊपर एंट्री, तो एंट्री के लिए क्या हुई? एम जी प्लस एन टू के लिए क्या हुई? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। एन वन की वैल्यू में कोई एम बी स्क्वायर बाई आर नहीं आएगा, क्यों? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है तो आर इनफाइनाइट है, आर इनफाइनाइट है तो वन बाई इंफिनिटी। कौन कह रहा बराबर है भाई? तो बराबर होगा क्या? किसमें सबसे ज्यादा? उसके बाद अब भी नहीं जज कर पा रहे ना तुम लोग। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? इसीलिए तो बहुत ध्यान से देखें, तो नॉर्मलाइजेशन वेरी करता है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? आपका कर्व कैसा है? आपका लॉजिकल है तो इसमें क्या है? ये सवाल आ चुका है, मेरे को लगा था सब लोग सही करोगे, साले तुमने सबने गलत करा। बोला हद हो गई है तो, मतलब मैं साला तुम्हें क्या पढ़ाना चाह रहा था, तुम साले कहाँ अटके हुए हो यार? इट्स ओके, अच्छा कई लोगों ने तो बताया बराबर इसलिए बोला कि साला ये तीन औटंकी कर रहा है ना, ये पक्का बराबर होगा। उनको अपने आंसर से लेना देना नहीं था, वो मेरे एक्सप्रेशंस पे आंसर दे देते। इधर सुना, पहले मुझे बता कौन सा ऐसा केस है जिसमें ऐसा हो सकता है कि आप सरफेस को छोड़ ही दो? कुछ सोच, कौन सा, कौन सा सरफेस को छोड़ने का मतलब? नॉर्मलाइजेशन क्या होगी? जीरो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अंदर की तरफ तो लग नहीं सकती। अरे भैया कौन सा केस है जिसमें खतरा है सरफेस को छोड़ने का? अरे हाँ ना बोलिया। सो एन टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या लिखा जाना चाहिए? एम जी इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर बाई आर। एम ने एम को मार दिया, मतलब बी शुड बी लेस देन रूट आर जी। रफ्तार इससे कम होनी, वरना आप हवा में आ जाओगे। आप स्पीड ब्रेकर से तेजी से निकलो, क्या हवा में आ जाते? अरे स्पीड ब्रेकर से हवा में आते हो कि नहीं आते हो? दिस इज द रीजन। हवा में आने का क्या मतलब? आपको उसका कॉन्टेक्ट सरफेस से साथ छूट गया। क्यों छूटा? देख यानी कि अगर कर्व सरफेस है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप रूट आर जी से ज्यादा रफ्तार से होंगे तो फिर उसका साथ देख। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? कोई ग्रह नहीं बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कर्व सरफेस पे भी थोड़ी सी जजमेंट कर ले। मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां पर किसी भी थीटा एंगल पे ले लो, क्या दिक्कत है उसमें? मास है, ये रफ्तार भी, ये एंगल थीटा। सोच के देखो क्या इधर लग रहा है नॉर्मल, प्लस साथ ही साथ इधर लग रहा है एम बी स्क्वायर भाई यहाँ, अरे नहीं है यहाँ कैसे लग रहा है एम जी? क्या ये थीटा तो ये भी थीटा? किधर आया एम जी कॉस थीटा? अरे हाँ ना बोल यार, एम जी साथ उसकी रफ्तार बढ़ाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो बात का काम है। अरे नहीं आया, क्या इधर वाले फोर्सेस बैलेंस हो रही थी? एम की वैल्यू कितनी आई? एम की वैल्यू आई एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर साथ रहना है तो एन जीरो से बड़ा होना, तो क्या बी की वैल्यू अंडर रूट आर जी बाई आर जी कॉस थीटा से ज्यादा कम होनी? अरे सही तो बोल रहा हूं यार। किसी भी कर्व जगह पर अगर अपन ध्यान से देखें तो रफ्तार इससे कम होनी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे पक्की बात? यस सर। अरे सोच लो, यस सर।
यानी कि किसी भी एंगल पर रफ्तार इससे कम होनी चाहिए, तब तो आप साथ रहोगे, वरना साथ रहना पॉसिबल नहीं है। देख जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो तो थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा के लिए जीरो है, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू वन है? तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? उतार, समझ के उतार, घबराना मत, अपना ही मास्टर है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? अच्छा तू बहुत ध्यान से देखे ना, तो सोच अगर मैं वी रफ्तार से चल रहा हूं, कितने से किसी कर्व पाथ पर, तो मैं यहां पर सेफ हूं कि यहां पर सेफ हूं? मान लीजिए मैं तेरे को बोलूं यहां से लेकर यहां तक रफ्तार सेम है, तो मेरे सरफेस को छोड़ने के चांसेस कहां पे ज्यादा है? ऊपर की यहां पर, यहां पर। अंडर रूट आर जी कॉस थीटा है ना, अगर बी कॉन्स्टेंट रख रहे तो ये वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, ये वैल्यू कम हो रही है बढ़ रही है? थीटा हो रहा है तो ये वैल्यू कम हो रही है, तो रिस्क बढ़ रही है? तो रिस्क यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? तुम्हें मेरी बात समझ? क्या चलो मैं आपको एक अच्छा सेगमेंट समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ी बुद्धि लगाइएगा, ऐसे बहुत टफ भी नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं, थोड़ी अक्कल चाहिए। देखिए मिलके करते हैं, मान लीजिए कि एक साइकिलिस्ट है इस प्रकार, मान लीजिए एक साइकिलिस्ट इस प्रकार कर्व्ड पाथ में चल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ का सेम है आर और आर, ऐसा आप समझे, और साइकिलिस्ट अपना ऐसा है, बोलो क्लियर है? साइकिलिस्ट अपना ऐसा है और ऐसे चल रहा है, और बोला गया कि साइकिलिस्ट की रफ्तार भी कांस्टेंट रहती है पूरे पाथ पे, मतलब साइकिलिस्ट ये चाहता है कि वो इस पूरे कर्व्ड पाथ पर कांस्टेंट रफ्तार से चले, कितने से? घर वाले कितने से? जो भी कांस्टेंट हो, पर उसे पहले से बताओ भाई इतनी रफ्तार से मैं चल सकता हूं, इतनी रफ्तार से मैं, ये उसे बता दिया जाए। ये पॉइंट ऑफ उसको अपन ए बोल लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर होता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? वो जगह जहां पर अपना कर्व कंकेविटी से कॉन्वेक्सिविटी चेंज करता है, उसे मैथमेटिकल टर्म में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। कभी नहीं सुना? सुना होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सुना होगा मैथ्स में कभी? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट नेचर फ्रॉम कॉन्केविटी टू, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं आपको, खैर इसे फिजिक्स से कोई लेन देन नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका ये ऐसे चल रहा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, मान लीजिए आप यहां पर पहुंच गए, यहां से यहां पहुंचे, ए से बी आए, आप कहां पर आए? जब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना जहां पे चेंज कर रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं? ऐसे ये एंगल भी अल्फा। अरे गॉट माय पॉइंट? अगर आप बहुत ध्यान से तो किसी भी जगह पर, मान लीजिए अपन ए से बी देखें, कहां देखें? अगर आप साइक्लिस्ट को ए से बी के बीच में देखें, समझते हैं उसको, ए से बी के बीच में उसके साथ क्या हो रहा है, ए से बी के बीच में अगर अपन साइक्लिस्ट को देखें तो अपने समझ में आएगा कि मान लीजिए मैं उसको ऐसे बना रहा हूं, क्या उस पर एक लग फोर्स लग रहा है एम, क्या उसके साथ लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या इधर लग रहा है एम जी कॉस थीटा, अरे अभी अभी बताया हाँ ना बोले यार, क्या इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है? अच्छा इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? क्योंकि पार्टी, क्योंकि साइक्लिस्ट की रफ्तार तो कॉन्स्टेंट मानी गई है, तो इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फ्रिक्शन, शाबाश, फ्रिक्शन लग रहा है। तो इन दिस केस फ्रिक्शन इज बेसिकली एम जी, फ्रिक्शन इज बेसिकली एम जी साइन थीटा, एन इज बेसिकली एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, ये एफ आ गया या एन आ गया? इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन तो चाहिए ना हमें? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा मैं तुमसे एक सिंपल बात, जब आप ए से बी आ रहे हो, ए से बी आ रहे हो तो थीटा बढ़ रहा है घट रहा है? थीटा कौन सा है तो समझा नहीं, थीटा ये है, थीटा 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 कॉस थीटा साइन थीटा, अरे हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, सोच लो। अच्छा एन ज
जब आप ए से बी आ रहे हो, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो कॉसीटा घट रहा है, कॉसीटा घट रहा है, तो साइन थीटा बढ़ रहा है। मुझे बताइए एन का क्या हो रहा है, एन का क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है? अरे कॉसीटा घट रहा है तो ये वैल्यू घट रही है, तो एन 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 घट रहा है। एफ मैक्स कहां से देगा? गलत सोच लिया आपने। एफ मैक्स होता है म्यू एन, ये एफ चाहिए। एफ मैक्स अलग बात है, एफ एफ वो है जो चाहिए, ये जो हो। एफ मैक्स क्या है? म्यू एन। अगर एन घटा तो एफ मैक्स, पर जो एफ चाहिए वो, मतलब चाहत बड़ी और उपलब्धता घटी तो खतरा। अब भी नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? चाहत उपलब्धता तो खतरा। अरे नहीं आया? खतरा खतरा खतरा। तो ए से बी में सबसे ज्यादा चांसेस स्लिप होने के कहां पर है? कहां पर? अगर बी पर बच गया, अगर बी पर बच गया, तो क्या ए से बी में सब जगह बच गया होगा? तो ए से बी में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन? क्या ये बात समझ आती है? क्या मास्टर सुंदर लग रहा है? आ जाओ, बी से सी चलते ही। कहां चलते हैं? समझते नहीं लड़के के पीछे, लड़कों में भी ढूंढने लगते हैं, मैं क्या मतलब चला? मैं आगे, लड़कियां आगे, पीछे ढूंढ रहा। मान लो ये एंगल थीटा, मान लो ये एंगल बी से सी में चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? अब मान लीजिए यहां पर है, तो क्या नॉर्मल इधर? अरे नॉर्मल तो इधर ही आया। क्या इधर एम जी कॉस थीटा आएगा? क्या इधर एम जी साइन थीटा आएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। एम जी साइन थीटा, और क्या एम जी कॉस थीटा के साथ एम बी स्क्वायर बाई आर और आएगा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या बी से सी के लिए अगर बात करें तो क्या नॉर्मल की वैल्यू आ गई एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, एनी क्वेश्चन एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, बहुत सुंदर। और क्या फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से चाहिए एम जी साइन थीटा? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो खुद बताओ, जब आप बी से सी जा रहे हो तो थीटा बढ़ रहा है घट रहा है? थीटा बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? सोच लो। ओहो, तो थीटा घट रहा है तो कॉस थीटा, तो साइन थीटा? अरे नहीं आया। नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही है। एफ मैक्स क्या एफ मैक्स म्यू एन है? बढ़ रहा है एफ, यानी कि चाहत पर उपलब्धता तो खतरा कम हो रहा है। तो बी और सी में खतरनाक कौन? कौन बी? कौन बी? हो, इस वाले पार्ट ने भी बताया बी, पर इस वाले पार्ट ने भी बताया बी, मतलब इसमें पूरा खतरनाक में कौन बी? पर साला बी में कंफ्यूजन हो गया। क्या यहां से लेकर यहां तक पूरे पार्ट में बी खतरनाक है? ये बात प्रूफ हुई कि नहीं हुई? अगर यहां बच गए तो बाकी सब जगह, पर साला बी अपने आप में कंफ्यूजिंग है क्योंकि बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अरे बी के किधर? जस्ट इधर की जस्ट इधर। अरे यार, बी के जस्ट इधर या जस्ट, क्योंकि बी में कंफ्यूजन है कि बी इज अ पॉइंट ऑफ, तो मुझे ये जज करना पड़ेगा। ये तो समझ आ गया कि बी खतरनाक है, ये तो समझ आ गया कि बी, अरे पर खतरनाक कौन सा? जस्ट पहले या जस्ट? यार तुम्हें नहीं आया? जस्ट पहले या जस्ट? अब ध्यान सुन और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट पहले की सिचुएशन ये वाली है, यानी कि ये एंगल अल्फा है,
ये एंगल अल्फा है तो ये इधर एन है, तो एन प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, अरे हाँ ना बोल, और इधर एम जी कॉस अल्फा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो एन की वैल्यू क्या लिखी गई, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस माइनस, और क्या फ्रिक्शन चाहिए एम जी साइन अल्फा, फ्रिक्शन चाहिए, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, नहीं आया, सही तो लिखा है, जस्ट बात में कि सिचुएशन ये अल्फा यहां, ये एन, ये एम बी स्क्वायर बाई आर, ये एम जी कॉस अल्फा, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, तो एन की वैल्यू हुई एम जी कॉस अल्फा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, और फ्रिक्शन कितना चाहिए, क्या अभी भी एम जी साइन अल्फा, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, इन दोनों केस में फ्रिक्शन जो चाहिए वो बराबर है कि अलग, बराबर की अलग, पर उपलब्धता किसमें ज्यादा है, इसमें कि इसमें, अरे यार क्या दोनों में रिक्वायरमेंट बराबर है, पर उपलब्धता किसमें ज्यादा है, फर्स्ट में कि सेकंड में, तो खतरा कहां ज्यादा है, फर्स्ट में कि सेकंड में, तो सबसे खतरनाक पॉइंट कौन हुआ, बी का भी जस्ट पहले, अरे नहीं आया, बी का भी यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो क्या यहां खतरा ज्यादा है, अगर यहां बच गए तो क्या सब जगह बच जाएंगे, यहां बच गए तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो सबसे खतरा ये, सबसे खतरा इतना इस वाली सिचुएशन में, ये सबसे खतरनाक, खतरनाक पूरे पाथ में सबसे खतरनाक पॉइंट ये है, यहां बच गए तो सब जगह, इतना फ्रिक्शन चाहिए जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से, क्या यहां से एक भी निकल आएगा, यहां से एक भी देख निकाल लेते हैं, चाहो तो एम एम मर जाएगा, जी साइन अल्फा शुड बी लेस देन म्यू एन, एन की वैल्यू सॉरी म्यू जी कॉस अल्फा, अरे म्यूजिक कॉस अल्फा आएगा ना यार, तो इधर आएगा म्यूजिक, तो इधर माइनस म्यूजिक कॉस अल्फा, या इसको उधर ले आते हैं माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, कैसे लिखते हैं माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर, इधर ले आओ नहीं प्लस म्यू वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू जी कॉस अल्फा माइनस सॉरी म्यूजिक कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा, अरे सही बोल रहा हूं क्या, तो v की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ जी म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन, देना कैलकुलेशन में नहीं करियो, बाई बाई म्यू और ऊपर r, अरे कभी तो हाँ ना बोल, अगर रफ्तार इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, वरना बी पे सिर्फ कर जाओगे, बी पे बच गए तो क्या बाकी सब जगह बच जाओगे, तो व्हाट प्रोसीजर बी अप्लाइड, हमसे रियल सवाल क्या था कि अगर आपको एक साइक्लिस्ट को एबीसी पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो बताइए वो कांस्टेंट स्पीड की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि कहीं पे भी स्लिपिंग, तो पहले मैं आइडेंटिफाई करा भाई साहब सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा, अरे सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करा, सबसे खतरनाक पॉइंट, फिर उस पॉइंट पे अपन ने कंडीशन लगाई, बोल यस और नो, दैट इज व्हाट वी हैव डन, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ समझ आया है, क्या पील के साथ आया है, कोई कष्ट वाली बात नहीं, उतार ले मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले मेरे रेनबो मेरे गेंडे मेरे सन्नाटे, हो गया क्या, जाने मेरे दिल को क्या, साइक्लिस्ट की एक और चीज होती है जिसे कहते हैं
मतलब और भी बहुत फॉर्मेट हो सकते हैं, चलो छोटा सा वो पढ़ाता हूँ, सुना होगा मौत का कुआ, बहुत सिंपल सी फॉर्मेट है, कोई खास बात नहीं, डरो मत। देखो मौत का कुआ, देखा है कभी गाँव गाँव में मेले वेले में लगा होगा, अरे देखा है क्या, मौत का कुआं, कुआं सही लिखा है क्या मैंने, सही गया कुआं, मौत का कुआ, देखा है क्या मौत का कुआ, ढंग से पढ़ लो, तुमने क्या क्या चलते हुए देखा है इसमें, तो बाइक और कार, तुम पलो ट्रक चलाओगे तुम अभी देखना। मान लो कि ऐसे अपना एक कुआ है, क्या है कुआ, सिंपल, यहां पे अपना मोटरसाइकिल स्टैंड ऐसे समझो, ये नहीं आया। अब इस मोटरसाइकिलिस्ट असलियत में ऐसे समझ लो कि ऐसे इसकी रफ्तार भी बाहर की तरफ है, यूं यूं यार तुम्हें नहीं आया, इस पे नीचे क्या लग रहा है, एमजी, इधर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, एमवी स्क्वायर बाई, इधर क्या लग रहा है, इस एमजी को बैलेंस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, ऊपर, तो कितना फ्रिक्शन चाहिए एमजी के बराबर, अरे कितना फ्रिक्शन किसके बराबर, जितना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम वाला म्यू एमजी की म्यू एन, एन कितना है यहाँ पर, जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, मतलब म्यू एम बी स्क्वायर बाई आर एम ने एम को, यार मुझे लगा ही तुम्हें आया, अरे हमारा तो बोल, तो वेलोसिटी कितनी से ज्यादा होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू, वेलोसिटी से ज्यादा होनी, अगर इससे कम हुई तो क्या स्लिप कर जाओगे, और इससे ज्यादा हुई तो क्या सेफ रहोगे, इसलिए आप ट्रक भी चला सकते हो, अरे हाँ ना तो बोल, हालांकि रियलिस्टिक जो अपने ऐसे थोड़ी मतलब मौत का कुआ बना दो, सही में मौत का कुआ बना लो, मस्त स्टील का सिलेंडर तेल लगाओ और वर्टिकल 90 डिग्री, अब चला बताओ, जो मौत के कुआ होते थोड़े से बैंड होते हैं, तो क्या नॉर्मल भी सपोर्ट देने लगता है, और क्या वो लकड़ी के पट्टे टाइप होते हैं, तो म्यू की वैल्यू अच्छी होती है, तो रियलिटी थोड़ी और डिफरेंट होती है, बट अपन उसे मौत का कुआ ही कहते हैं, पहले था जो मैं बोला चमका, आपके लिए अगर इतना आ जाए तो आपके लिए कोई खास बात नहीं, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया। अरे सर्कस वालों में तो गोल गोल चक्कर में भी घुमाते हैं वो यार, एक तो गोला सा होता है, अबे तुमने कभी सर्कस गए नहीं हो, तुम्हारे गांव में नहीं लगा, टीवी में तो देखा होगा, लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल आप देखिए उतार लिया गया। एक और चीज होती है जो साइक्लिस्ट के बात करते हैं, उसे बता लगी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कुछ सवाल यहाँ पे हैं, ऑल दो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में थोड़ा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, किसका समझ जाओगे, इसमें कोई खास बात है, लिखे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, वो ही बात है, साइकिल चलाई सब लोगों ने, चलाई नहीं चलाई, हमने साइकिल चलाया, पहली पहली बार जब साइकिल सीखी थी तो पिताजी ने पीछे पकड़ रखा था, अपन चला रहे थे, ये चल रही है बढ़िया चल रही है, अरे पकड़ ही नहीं रखा, दिखाओ चलाई, साइकिल चलानी सबको आती है, साइकिल चलाई नहीं आती हो, ऐसे ऐसे साइकिल चलाई नहीं आती हो, नहीं डायरेक्ट प्लेन सिखाओ, तो साइकिल जब हम चलाते हैं, जब मोड़ आता है क्या आता है, तो अपन अपने आप थोड़ा सा, जैसे मान लो इधर मुड़ना है तो क्या अपन झुक जाते हैं, झुकते हैं ना, ऐसे तो नहीं करते, ऐसे करके देखना, ऐसे करके देखोगे तो आपके लिए मुड़ना पॉसिबल है कि नहीं, ऐसे मुड़ नहीं पाओगे, अब
बेसिकली अपन ऐसे करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं तो अपन कर को क्या अपन मुड़ जाते हैं? अरे हाँ ना बोलेगा, मुड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया साहब है ना, तो अपन मुड़ जाते हैं। ठीक भाई, होता क्या है, ध्यान से देखिए सर, मान लीजिए कि आपका साइकिलिस्ट है, समझने के लिए थोड़ा सा काउंट है, यहां से मान लीजिए थीटा एंगल पे, कितने पे, असलियत में इधर घूम रहा है ये, करता क्या, जब ये इधर जाता है ना तो ये इधर से अगर घूम रहा है तो पता है क्या करता है, ये धरती माता को बेवकूफ बनाता है। क्या बोलता है, वो ऐसे टेढ़ा होता है, जब ऐसे टेढ़ा होता है तो क्या इधर स्लिप करता है, तो धरती माता को कहता है देख मैं गिर रहा हूं, धरती माता कहती है मत गिर, तो क्या फ्रिक्शन अंदर लगा, तो फ्रिक्शन और आपको संभालती है। अरे यार, आपको कॉन्फिडेंस है धरती माता पर कि वो आपको गिनने नहीं, नहीं आया, आया। इसलिए आप, इसका मतलब ही नहीं कॉन्फिडेंस है, पलट एक लिमिट तक। अरे यार हाँ ना बोल, भाई कोई गिर रहा हो तो आपको संभाल सकता है पर एक लिमिट तक ही, उसके बाद गिरना हो तो गिर मत, ये फ्रिक्शन इधर, गॉट माय पॉइंट। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, किसका, साइकिल और पूरे सिस्टम का, तो इधर एम जी, क्या इधर लगा एम वी स्क्वायर भाई यार, यार तुम्हें समझ नहीं आया, यार आया नहीं आया, आया। अच्छा ध्यान देखो, ये फ्रिक्शन नॉर्मल लगा ऐसे, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इस जगह पे नॉर्मल, नॉर्मल सेंटर मास पे लगे या यहाँ लगे, यहाँ पे, अरे नॉर्मल तो कॉन्टैक्ट सर्विस पे लगे, क्या फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट सर्विस पे लगे, यार मुझे लगा है तुम्हें आया, असली तुम्हें नॉर्मल और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स की तो दो हिस्से हैं, नहीं आया है ना, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन, अच्छा ये एम जी, ये एम जी, और ये एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम जी बाई एम बी स्क्वायर बाई आर, बहुत सुंदर। तो अपन ऐसे नॉर्मल ले लिया, अगर अपन बहुत ध्यान देते नॉर्मल इक्वल्स टू, अगर बैलेंसिंग होना है तो नॉर्मल इक्वल्स टू, अच्छा क्या एम जी सेंटर मास में लगेगा, क्या याद कर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, याद कर एक सूडो फोर्स है, हालांकि अभी मैंने ज्यादा बोला नहीं, याद कर सूडो फोर्स लगता है सेंटर मास पे, कहां लगता है, तुम भूल गए मैंने सूडो में बोली थी ये बात, नहीं आया, आया तो ऐसे लग गया। अगर बैलेंसिंग होनी तो नॉर्मल बराबर क्या होना है, एम जी, नॉर्मल बराबर क्या होना है, एम जी, और एफ बराबर एम डी स्क्वायर बाई आर। अगर स्लिप नहीं करना है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो वैसे पॉसिबल, यानी कि क्या म्यू एम जी, एम ने एम को, क्या बी शुड बी लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। अरे बात तो आप पहले भी कर चुके हो, ये बात तो आप यहाँ पे इस बात के लिए नहीं, बात हो रही है, लफड़ा है गिरने का, लफड़ा है स्लिपिंग की तो बात है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, बात है गिरने नहीं गिरने की। अगर गिरने की बात करी जाए तो सोच के देखो, गिरने के लिए क्या ये ऐसे गिर सकता है, तो क्या ये बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, अगर कभी आपने सुना तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क क्या होता है, आप इसको ध्यान से देखिए, यहां लग रहा है एम जी, यहां लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, यहां लग रहा है नॉर्मल, और यहां लग रहा है फ्रिक्शन, यही सिचुएशन। अगर इसको गिरना नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो होना, यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आया अभी सुना, हालांकि मुझे पता है थोड़ा सा, पर ये क्या है शीट में और कई जगह इसके सवाल यही आ जाते हैं, इसलिए इसको यहां पढ़ा रहे हैं। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है, अरे कभी तो सुना होगा टॉर्क, नहीं आया, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। अगर टॉर्क, तो अगर नहीं गिरना है तो सेंटर मास के अबाउट टॉर्क जीरो होना, अच्छा क्या एम जी स्क्वायर बाई आर यहीं से पास कर रहा है, क्या एम जी भी यहीं से पास कर रहा है, तो एम जी और एम जी स्क्वायर बाई आर का टॉर्क तो क्या डायरेक्ट जीरो हो गया, मतलब क्या नॉर्मल और एफ का टॉर्क जीरो होना, सो नॉर्मल और एफ का नेट फोर्स यानी कि कॉन्टेक्ट फोर्स अगर यहीं से पास कर जाए
तो क्या टॉर्क जीरो आ जाएगा? अरे नॉर्मल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स सेंटर मास से ही पास कर जाए तो टॉर्क जीरो हो जाए। अगर ऐसा होना है तो मान लीजिए ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, सोच के देखिए ये नॉर्मल, ये एफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर मास से पास करना चाहिए अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है तो ये थीटा। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो क्या लिखना चाहिए? टेन थीटा बराबर एफ बाई एन। यार डल रिस्पॉन्स आ रहा है यार, तुम्हें थोड़ी सी बात समझ नहीं आई? थोड़ी सी आई क्या? टॉर्क सेंटर मास से क्या होना चाहिए? जीरो। क्या एमवी स्क्वायर बाय आर में इसे पास कर रहे हैं? उसका कोई टॉर्क? इसका टॉर्क भी कोई भी नहीं हो। सो इन दोनों का मिलाकर टॉर्क जीरो होना चाहिए। दोनों का टॉर्क मिलाकर जीरो कब हो जाएगा? अगर इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं से पास कर जाए तो बेटा उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। अरे नहीं आया, तो हमने मान लिया इन दोनों का रिजल्ट यहां से पास करा। अगर यहीं से पास करेंगे तो टेन थीटा बराबर एफ बाई एफ कितना है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एन कितना है? एम जी। तो कितना आया? वी स्क्वायर बाई आर जी। सो टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई वी स्क्वायर बाई आर जी। इतना इंक्लाइंड अपने आप को अपने को कर लेना जो अपने को समय के साथ अपन चलाते चलाते सीख जाते हैं। तो ये मसूद तेरे को हर बार इतनी कैलकुलेशन करनी होती है क्या? अपन अंदाजे से सब काम कर लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू आई वी स्क्वायर बाई आर जी। इसे कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या कहते हैं? तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? उतारिए। बाल भी बनाया था क्या? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एकदम क्लियर है? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कोई तकलीफ नहीं है? अरे पक्की बात? चलिए भाई बहुत सुंदर। वास्तविकता में मैं आपको बताऊं तो अपने सर्कुलर मोशन में और बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। टफ सवाल कराने हो बच्चों को तो ऐसे ऐसे सवाल करा सकते हो, एक टेबल ले लो, उस टेबल पे इंक्लाइन प्लेन रख दो, उस साइन प्लेन पे एक और ब्लॉक रख दो, फिर इसे ओमेगा से घुमाने लग जाओ, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगने लग जाए। ये सब 10-10 नंबर सब्जेक्टिव, एक एक सवाल 20-20 मिनट निकलेंगे। आप ऐसा टेबल ले लीजिए, उस टेबल पे आप जो है यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे रख दीजिए, उसको रस्सी से बांध दीजिए, उसके ऊपर एक और ब्लॉक ले लीजिए और इन दोनों को यहाँ से पुली पे लेके ऐसे बांध दीजिए। क्या सवाल कर सकता है? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ टफ करने में कोई खास बात नहीं। आपको समझ में आना चाहिए व्हेन यू आर इन अ सर्कुलर फ्रेम, व्हेन यू आर इन अ सर्कुलर। मैं बहुत ज्यादा ऐसे वही मैं आपको, मैं बहुत सारे अच्छे करा भी चुका हूँ आपको, बट रियलिटी ये है कि करने में कोई कमी वाली बात नहीं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर इन अ सर्कुलर फ्रेम, क्या देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज आउटवर्ड, देन योर एलएलएम फ्रिक्शन एंड अदर टॉपिक शुड बी स्ट्रांग। अगर आप वो स्ट्रांग होंगे तो आपको क्लैरिटी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? यार हाँ ना बोलो। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? हालांकि बहुत ज्यादा ऐसे आते नहीं 10-10 नंबर सब्जेक्टिव में, बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये वाली बेस। क्या सर्कुलर की थोड़ी थोड़ी फील आई है? सन्नाटे में गए हो, डर तो नहीं लगा सर्कुलर से? अल्फा एटीएआर। क्या आप अपने को कंफर्टेबल महसूस हो रहा है? yes, इसी के साथ अपन आगे चालू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या चीज? वैसे वो वर्पर एनर्जी का पार्ट है पर मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्कुलर पढ़ा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद अपन चालू करेंगे क्या चीज? रोटेशनल। क्या चालू करेंगे? रोटेशनल मोशन। और वर्पर एनर्जी के बाद उधर चालू होगा सीओएम। क्या चालू होगा? हाँ वर्पर एनर्जी में कहां पे पहुंच गए? थोड़ा फास्ट करो उधर, ये भी से पढ़ा रहे ना? बहुत बोली फास्ट रही क्योंकि सेंटर ऑफ मास में अभी वर्पर एनर्जी खत्म होते बड़े होते उधर चालू करेंगे सेंटर ऑफ मास। वैसे मेरी बात हो रही है लगातार, सेंटर ऑफ मास में अपन चालू करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालना। क्या निकालना? और रोटेशन में अपन चालू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्या निकालना? दोनों में एलिमेंट लेने का तरीका सेम होता है, तो आपको एग्जैक्ट फील आएगी, बिल्कुल मैच होते हो, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैप कर लेंगे बिल्कुल, ताकि जो बोल रहे हो मेरे को क्लियर हो, जो मैं बोल रहा हूँ उनको क्लियर हो, तो आपको सब कुछ मैप होता हुआ लगेगा। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? yes, तो सर्कुलर की पूरी शीट अब आप लोग कर सकते हो, हेडिंग डाल लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टाइम हो गया, अगला नहीं करेंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ी? पढ़ ली क्या? ऑर्डर बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन, मुझे क्या चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। वर्क आधे जैसा सर्कुलर चाहिए, सर्कुलर तो मैं पढ़ा चुका, मुझे चाहिए वो चाहिए याद करो। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई होगी, बोला होगा अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन, आपको बोला होगा अगर वर्क
लंदन जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो, किसका हो? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब लोग जानते हैं। अगर वर्डन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो तो क्या वर्डन को लिखते हैं? माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो क्या लिखा जाता है? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस। ऐसा कैसे लिखते हैं जब क्या कंजर्वेटिव फोर्सेज हो? वर्टिकल सर्वो मोशन में जो आपका फोर्स होगा वो क्या ग्रेविटेशनल होगा? क्या कंजर्वेटिव फोर्स है? तो हमारे लिए जो इक्वेशन काम की होगी वो ये वाली होगी, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। नहीं आया? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम की ही एक फॉर्मेट है? व्हेन ओनली वर्क डन बाय ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, यस और नो? इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी विल ओनली डील विद कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? मुझे लगा तो मैं आया, आया नहीं आया? तो आगे इसे अगले टर्न पे से खत्म कर देंगे अगर रफ्तार में चला तो, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा आप सर्वे शीट कर सकते हो आप पूरी।